नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस पर परिचालन के दौरान हमला होता था, लेकिन अब वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी उद्घाटन से पहले हमला होने लगा है। पिछले 20 दिन से चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन यार्ड में खड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस की रैक पर हमला हुआ है। असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शीशे को फोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। ये ट्रेन जब यार्ड में आई थी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से ट्रेन के शीशे टूटे फूटे नजर आने लगे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच नंबर IR241597 के शीशे को किसी अज्ञात असामाजिक तत्वों ने पत्थर मारकर तोड़ दिया है। चक्रधरपुर रेल मंडल में वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा पर किसी का भी ध्यान नहीं है। यही वजह है कि असामाजिक तत्वों ने मौका पाकर ट्रेन को क्षतिग्रस्त कर दिया। मालूम रहे कि इन दिनों चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडा मुंडा में कोरस कमांडो को बंडा मुंडा स्टेशन यार्ड में खड़ी मालगाड़ी की सुरक्षा में लाया गया है। कोरस कमांडो मालगाड़ी को कोयला चोर से सुरक्षा दे रहा है। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन टाटा नगर से पुरुलिया, अनारा, बोजुडीही, महुदा, गोमो, कोडरमा, गया, जहानाबाद होते हुए पटना के बीच चलाया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को फायदा मिले। वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच होंगे। इसकी स्पीड 130 से लेकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इस ट्रेन के रखरखाव का जिम्मा चक्रधरपुर रेल मंडल के पास होगा, लेकिन उद्घाटन से पहले ही यार्ड में खड़ी ट्रेन के शीशे तोड़ दिए हैं। फिलहाल दोस्तों, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और उन लोगों की तलाश कर रही है। अब तक की सबसे बड़ी खबर।